दोस्तों ग्रोजा की कंपैरिजन वीडियो में आपका स्वागत है और हम इसमें करेंगे ग्रोजा एक्स और ग्रोजा सादा में कंपैरिजन और हम दिखाएंगे कि ग्रोजा एक्स और ग्रोजा में कितना भी डिफरेंस हो चुका है, इसमें डैमेज और रेट ऑफ फायर कितना भी बढ़ा है और कितना घटा है। चलो हम इसमें चेक करने वाले हैं हेड। पहले हम हेड चेक करेंगे इसमें कितने का हेड पड़ता है। हमारी सादा ग्रोजा में हमारा 203 का हेड मिनिमम पड़ ही जाता है, कम से कम 203 का डैमेज पड़ जाता है हमारे हेड पर। अब हम इसकी पूरी 42 की 42 एमओ इसके हेड पर उतारने वाले हैं और देखते हैं कि कितना भी डैमेज बनता है या कितना डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रोजा की पूरी मैगजीन दे सकती है, 42 एमओ कितनी डैमेज दे सकती हैं। चलो मैं यहाँ से इसको हेड मारना शुरू करता हूँ। 203 का इसमें हेड जा रहा है, प्रत गोली पर 203 का हेड पड़ रहा है और फाइनल में देखिए कितना रिजल्ट आता है। ये देखिए 8526 का इसमें डैमेज बना है, पूरी 42 की 42 एमओ इसकी हेड पर उतारते हैं तो 8526 डैमेज बनता है। अब हम ग्रोजा एक्स में ट्राई करने वाले हैं कि ग्रोजा एक्स कितना दे सकती है एक बार में डैमेज। और इसमें देखिए ग्रोजा एक्स हमारी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें रेट ऑफ पावर दोनों ही बढ़िया है। और चलो इसमें 220 का ये हेड दे रही है और 220 का हर बार हेड दे। चलो इसकी भी पूरी 42 की 42 एमओ इसके हेड पर उतारते हैं और तब देखते हैं कि इसमें कितना इफेक्टिव डैमेज बनता है और या दोनों बराबर ही बनता है। दोनों देखते हैं, थोड़ा तो अंतर आएगा ही दोनों में। और इसमें देखिएगा इस 9240 इसमें पूरा डैमेज बना है। अगर हम पूरी 42 की 42 एमओ किसी के हेड पर उतार देंगे या किसी को हेड से ही मारेंगे तो 9240 का ऐड पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए।